अरे ढाबर गाव हती अरे जठे केरिया माधोर पान पीराबो ढाबरी गाव हदी सोवणो ढाबरी गाव हदी सोवणो रे जठे केरिया मारो रे थान बीरा ढाबरी गाव हदी सोवणो रे जठे केरिया मारो रे थान बीरा ढाबरी गाव हदी सोवणो रे अरे भक्ति कमाई जोर री भक्ति कमाई जोर री रे जारो भानाजी हे नाम बिरावो भक्ति कमाई जोर री ओ सोलंकी भानाजी हे नाम माता जी री भक्ति कमाई जोर री हो माता जी अरे दर्शन दीना आयने दर्शन दीना आयने देवो मंदरियो बणवाय भाना जी दर्शन दीना नाबड़ी मिंदरियो चुनिवाय भानाजी दर्शनी दीना आपने वो अरे आज्ञा मानी मातरी आज्ञा मानी मातरी रे मिंदरियो चुनिवाय भानाजी आज्ञा मानी मातरी ओ मिंदरियो चुनिवाय भानाजी आज्ञा मानी मातिरियो आ
5500 बानाजी रे भक्ति रो माताजी रे भक्ति रो लगाव हो गयो। और जब मोटियार हुआ तो ब्याव कर दियो घराड़ा, लेकिन माताजी री भक्ति तो वैसी की वैसी रही। ग्रस्त जीवन ने चलाते हुए भी माताजी रे प्रति पूर्ण समर्पण, माताजी रे अपने हृदय में माताजी रो पूर्ण वास, तो भक्त लिखियो है हो। ग्रस्ती चलावे आप जी, ग्रस्ती चलावे आप जी रे जारो मन भक्ति रे माय भाना जी, ग्रस्ती चलावे आप री ओ जारो मन भक्ति रे माय भाना जी, भक्ति कमाई जो री ओ अरे छड़ी रो पाई मातरी, छड़ी रो पाई मातरी रे माता पुनागढ़ जी माय माता वो, छड़ी रो पाई बाप जी ओ माता पुनागढ़ रे नाम माता वो, अरे भोपा सवाया पाटरी ओ देखिए, जो लोग भक्ति करते हैं और जिनको भक्ति की कला आती है, यानी जिन लोगों ने अपने प्राणों को अपने वश में किया है, ये एक योग साधना से होता है। जो लोग योग करते हैं अपने श्वास को दसवें द्वार तक चढ़ाते हैं, जो लोग इसके महारत हासिल होते हैं, जिन्होंने उसके लिए बहुत तप चाहिए, बहुत तप चाहिए, उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। और जिस दिन ये तपस्या पूरी हो जाती है तो वो आदमी अपने शरीर से बाहर भी निकल सकता है, शरीर के अंदर भी जा सकता है वापस। जब चाहे वो शरीर छोड़ सकता है, जब चाहे दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है, जब चाहे दूसरे रूप में दिखाई दे सकता है। और ये परंपरा हमारे भारत में बहुत बरसों से है, आज भी है। हिमालय के पहाड़ों में, हिमालय की कंदराओं में आज भी ऐसे हजारों योगी ऋषि मुनि है जो इस कला को करते हैं, कुंडलिनी जागरण को करते हैं। गोदावास में माता जी का एक बहुत पुराना दरबार मंदिर सजा हुआ, उसके गोदावास के पास में एक जगह है विजयनाड़ी, वहां पर भी माता जी का मंदिर है। और जब भानाजी सोलंकी को माता जी ने आदेश दिया कि मंदिर बनवाओ, तो उन्होंने मंदिर बनाया, लेकिन उसकी जो आरती होती थी शाम की, उस समय के कई लोगों ने देखा है कि शाम की आरती में भोपा जी यहां पर होते थे और वहां पर विजयनाड़ी में भी कई लोगों को भोपा जी वहां पर भी दिखाई देते थे। कई बार ये आमना सामना हो जाता था, पूछते थे कि भोपा जी तो यहां थे, वो वहां के लोग बोलते थे भोपा जी तो यहां थे। इसका मतलब ये हुआ कि माता जी की पूर्ण भक्ति बाना जी को प्राप्त हुई थी, और माता जी ने पूर्ण भक्ति दी तो उसके साथ में अष्ट सिद्धि और नव निधियां भी भोपा जी को दे दी। और जब अष्ट सिद्धि नव निधि जिसको मिलती वही ऐसा कर सकता है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारे शिकारपुरा महाराज जी राजाराम जी महाराज का बहुत बड़ा तप था इस धरती पर। बाणाराम जी और राजाराम जी का बड़ा स्नेह था, क्योंकि वो एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे। कहा जाता है कि हर महीने में एक दिन तो राजाराम जी और भानाराम जी को मिलना ही पड़ता था, कभी वो चले जाते थे कभी वो आ जाते थे।
बाद में देवाराम जी महाराज का भी बड़ा प्रेम बानाराम जी से रहा। और ये सारी बातें ये संकेत करती है कि ऐसी पुण्य आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई जो आपके ढाबर के भाग्य को जिन्होंने बनाया। मैंने उस इतिहास को पढ़ा है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको भी चकित कर देती कि ऐसा भी हो सकता है।